Everyone, welcome to you all in my other video. And today we are going to discuss about the opportunities in Australia, especially the visa that 491 visa, 190 visa. You can apply because right now June is ongoing. So at this moment, not many states are open for the visa application. Okay. So uh, as you know, in Australia, the first जुलाई ऑन वर्स लास्ट डे ऑफ द जून दिस इज द ईयर फॉर द वीजा इन्विटेशन तो वीजा को जो इन्विटेशन ईयर शुरू होता है वो होता है फर्स्ट जुलाई जो भी कोटा मिलता है ऑस्ट्रेलिया में वीजा फॉर एग्जाम्पल के भाई वन नाइनटी फाइव थाउजेंड वीजा मिलेगा तो वो कब से चालू होगा वो होगा फर्स्ट जुलाई से लेकर और तीस जून तक ठीक है तो जून में क्या होता है ऑलमोस्ट जो बहुत सारे वीजा खत्म हो चुके होते हैं और मतलब एंड होने को होता है तो बहुत सारे टाइम पे जो है बहुत ज्यादा वीजा दिया जाता है अगर उनके पास बचा हुआ है अगर नहीं है तो वो जो क्राइटेरिया का थोड़ा सा जो चेंज कर देते हैं उसको जो थोड़ा सा और टफ कर देते हैं तो आपको ज्यादा टाइम लग जाता है ठीक तो है आप देखते हैं कि बहुत सारे फार्मासिस्ट ने एग्जाम पास किया था मार्च में और मैक्सिमम लोगों को वीजा मिल चुकी है उसमें बहुत ही फास्ट वीजा मिल रही थी वो था विक्टोरिया स्टेट ठीक है तो विक्टोरिया ने कहा कि भाई जिसने पांच जून तक एप्लीकेशन करनी है वो कर दे इस साल के कोटा में उसको मिलेगा अदरवाइज आप वेट कीजिएगा फिर नेक्स्ट ईयर का जो कोटा आएगा वो जुलाई में और फिर हम लोग अपडेट करेंगे ठीक है तो अगर आपने वहां अप्लाई कर दिया तो तो आप वेट कीजिए नीड टू वरी मगर आपने अप्लाई नहीं कर पाए विक्टोरिया में और आपने जो है अभी कहाँ कहाँ आप कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर तो करंटली जो है दो स्टेट में भी ओपनिंग है एक है न्यू साउथ वेल्स में और एक है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ये दोनों जगह पर आप लोग वन नाइन जीरो फोर नाइन वन वीजा को एप्लीकेशन कर सकते हैं तो आज मैं डिस्कशन करूंगा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का और नेक्स्ट वीडियो में करने वाला हूँ जो है एन के बारे में ठीक है तो यहाँ पर उनकी जो मेन कंडीशन है वो एक वही कि भाई सिक्सटी फाइव पॉइंट होने चाहिए एज जो है फोर्टी फाइव के ब्लो होना चाहिए और इंग्लिश जो है आपकी सिक्स होनी चाहिए मिनिमम जो है आई के अंदर इक्विलेंट इन पी ठीक है तो ये इंग्लिश रिक्वायरमेंट है एप्लीकेशन के लिए फोर नाइन वन वीजा और वन वन नाइन जीरो इन ऑस्ट्रेलिया अब एक कंडीशन क्या है कि अगर आपने आप फार्मासिस्ट हैं तो मांग रहे हैं कि एक साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हो अदरवाइज तो आप अप्लाई नहीं करते तो आपके बाद अगर एक साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है कि किसी भी जो है कम्युनिटी फार्मेसी में या हॉस्पिटल फार्मेसी में तो आप लोग जो है ये फोर नाइन वन वीजा के लिए अप्लीकेशन कर सकते हैं जो है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के लिए अब जो क्राइटेरिया है वो है वन नाइन जीरो वीजा के लिए वो थोड़ा तो सा और चेंज कर दिया गया है उसका क्राइटेरिया ये है कि आपने एक साल का एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए प्लस आपके पास जो है मिनिमम सिक्स मंथ का जो है यहाँ पर जॉब ऑफर लेटर होना चाहिए वेस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो मतलब अगर आपको कोई जॉब मिल गई है वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में अथवा जॉब एक ऑफर लेटर है तभी आप अप्लाई कर पाओगे अदरवाइज आप वेस्ट ऑस्ट्रेलिया के लिए वन वीजा नहीं कर पाओगे कुछ टाइम तक आपको वेट करना पड़ा नीड टू वरी अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं था बहुत सारे स्टेट्स ने जो है विदाउट एक्सपीरियंस तो वीजा दिया है और वो डेफिनेटली मिलेगा क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि लास्ट डे ऑफ जून तो ये खत्म हो जाता है तो ये बहुत ही लास्ट में मई और जून बहुत ही क्रिटिकल टाइम होता है तो जो फर्स्ट आठ में दस महीने होते हैं खूब तो वीजा दिया जाता है ठीक है तो अभी अगर आपको आप एलिजिबल नहीं हो रहे हैं फॉर एग्जाम्पल आपके पास जॉब ऑफर लेटर नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते वन नाइन कोई तो बात नहीं तो टाइम के बाद जब रिवाइज होगा जुलाई में तो फिर से कोई ना कोई स्टेट ओपन करेगा और उस टाइम पे आप लोग कर सकते हैं और आई कि विक्टोरिया डेफिनेटली दोबारा से जो है करेगा ओपन एक क्वेश्चन ये था कि भाई जो इंग्लिश रिक्वायरमेंट है वो कितनी आपको जो रजिस्ट्रेशन करनी होती है के साथ में एज ए फार्मासिस्ट दे नीड आई एल सेवन इंडिविजुअल और सिक्सटी फाइव इन पी ठीक है मगर जो वीजा का कंडीशन है वो होता है सिक्स अगर आपका सिक्स भी है मिनिमम रिक्वायरमेंट तो भी आप वीजा को अप्लाई कर सकते हो मगर आपको मोस्ट लाइकली चांस कम बनेंगे क्योंकि जब आपके सिक्स बन रहे हैं तो आपको इंग्लिश में जीरो पॉइंट मिल जाएंगे राइट right? अगर आपका सेवन रहेगा तो आपको दस पॉइंट मिलेंगे अगर आपका एट है तो ट्वेंटी पॉइंट मिलेंगे तो जितनी आपकी इंग्लिश इंप्रूव करेगी स्कोर आपका वो इतना ही जो है वीजा के चांसेस बढ़ते जाएंगे है ना तो अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो डेफिनेटली आपको कैप्स एग्जाम पास करने के साथ साथ आपको इंग्लिश भी पास करने के बाद ही आपको ऑस्ट्रेलिया में आना चाहिए ठीक है यहाँ हम एकेडमिकली पर आपका पूरा ए टू जेड प्रोसेस करवाते हैं आपका इनिशियल एक्सप्लेसमेंट से लेके आपको कैप्स एग्जाम की कोचिंग देते हैं वहां पर इजिली पास कर सकते हैं उसके बाद में जो है फिर हम लोग जो है आपको पीटीबी कोचिंग कराते हैं ताकि आप वो पास करने के बाद फिर आप लोग जो है यहाँ आके ऑस्ट्रेलिया में आप पी आर वीजा पे आके जॉब कर सकते हैं तो ये थी आज की वीडियो आई एम थैंक फॉर दिस वीडियो